प्रसाद और आपको स्वागत करता हूँ इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। आज हमने लास्ट आधे घंटे में एक अच्छा सा ट्रेड लिया था, जहाँ पर तकरीबन हमने 30-40 पॉइंट निफ्टी में शॉर्ट करके कमाया, जहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। ये वो जोन था जहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया था। तो चलिए इसको थोड़े अच्छी तरह से समझते हैं, ये कैसे हमने एनालिसिस किया। तो आवर्ली कैंडल चार्ट में मैंने जब देखा मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को टच करके वापस आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल को मैंने टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच दिया। उसी तरह नीचे की तरफ मार्केट यहाँ पर जो टच किया था उसको उसको गौर में रखते हुए मैंने ट्रेंड लाइन फिर से वापस खींच दिया यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेंड लाइन खींचे जो कि 1 आवर चार्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फिर उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग तो आप 1 आवर ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। हम यहाँ से 15 मिनट कैंडल चार्ट में चले गए, जहाँ पर हमने टेम्परेरी एक पैटर्न खींचा ऊपर। बार बार देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर बार बार टच होके आ रहा था, इसलिए ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा और नीचे की तरफ ये लो बना था, ये लो बना था, ठीक है, और ये लो नहीं बना था तब तक। तो इसको नहीं, सिर्फ इसको हमने जज करते हुए वापस कुछ घंटों के पहले यहाँ पर एक लो बनाया था, इसके हिसाब से हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा। तो यहाँ पर हमको एक साइमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न मिल गया। तो पहला जो मार्केट शॉर्ट करने का एरिया था वो था ये वाला, लेकिन ये हमारा मिस हो गया 11:30 बजे सवेरे। तो ये टेम्पररी ट्रेंड लाइन हमने खींचा नहीं था। फिर हमको पता चल गया ये साइमेट्रिक ट्रायंगल को अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ऊपर हम बाय कर सकते हैं, और नीचे की तरफ अगर शॉर्ट सेल मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन है और नीचे ये हमारा सपोर्ट जोन है, लेकिन बाय के साइड में हम उतना श्योर नहीं थे क्योंकि ऊपर मूविंग एवरेजेस है, मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के तरह काम करते हैं, उसको लग के वापस आने का चांसेस है, और ये जो पूरा ट्रेंड है ये बेयरिश है। तो यहाँ हम शॉर्ट में काम करेंगे, यही हमने सोच के रखा था। फिर आपको ट्रेड लेना था तो यहाँ पे आपको ट्रेड मैं बता नहीं सकता, 15 मिनट कैंडल में हम ट्रेड नहीं करते। लास्ट आधे घंटे में हम 5 मिनट कैंडल और 1 मिनट कैंडल को देके ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड जैसे तोड़ा तो हमने यहाँ पर हमको कंफर्मेशन यहाँ पे वॉल्यूम पे मिला। वॉल्यूम देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा वॉल्यूम मिला है, वेटेड वॉल्यूम के ऊपर बेयरिश वॉल्यूम मिला। तो हम पूरा पक्का हो गए यहाँ से प्राइस बहुत जोरों से गिरने वाला है। ये मैं बता रहा हूँ तकरीबन 3:10 या 3:05 के टाइम के वक्त का टाइम था। तो हमको कंफर्मेशन मिल गया यहाँ से मार्केट तोड़ने वाला है, तो हम डायरेक्ट चले गए 1 मिनट कैंडल चार्ट में। तो यहाँ पर हम 1 मिनट कैंडल चार्ट में आ गए। तो ऊपर देखिए हमको कन्फर्मेशन तब मिला जब हमने देखा कि ये ट्रेंड तोड़ने से पहले यहाँ पे कि इन्वर्टेड हैमर बना था और ये तीन मिला के एक हाई रिलायबल कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सेल किया तकरीबन 11,765 के तकरीबन, मार्केट फिर से ऊपर गया था, ये ग्रीन कैंडल बन रहा था, लेकिन नीचे MACD आप अगर देखें तो यहाँ पे सेल आपको दे दिया था। तो हमने यहाँ से शॉर्ट सेल किया, फिर वापस 11,710 के तकरीबन हमने प्रॉफिट बुक किया, जो कि ये कैंडल के नीचे था। फिर ये ग्रीन हरा कैंडल जैसे बना तो हम एग्जिट करके बैठ गए। फिर यहाँ पे और एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन चंद मिनट बाकी होने के कारण हम बाय नहीं किए, और रेजिस्टेंस लेवल में यहाँ पर बहुत सारे मूविंग एवरेज हैं तो बाय करना हम सही नहीं समझे। तो ऐसा था हमारा लास्ट ट्रेडिंग, बहुत ही अच्छा 40-30 पॉइंट हमने कमाए। तो आप भी ऐसे ट्रेड करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक्ड।